हम लोग आज देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो हमें सी प्लस प्लस के थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने में काफ़ी मदद करेगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंपाइलर, कि कंपाइलर आखिर कैसे काम करता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है सिस्टम को। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो कंपाइलर को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। साधारण जिंदगी में जब लैंग्वेज की बात आती है तो एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के टाइम पे जो हमारे बीच का कन्वर्टर है, जैसे मान लीजिए हम किसी लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ही हम ले लेते हैं। तो ये है हिंदी लैंग्वेज और ये है इंग्लिश लैंग्वेज, हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा, हिंदी में जो सेंटेंस है उसको ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करना पड़ेगा हमें इंग्लिश में, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये ट्रांसलेटर हम हैं और हमने क्या किया, हिंदी के सेंटेंस को पकड़ा, मैं गया, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब हमने क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया ग्रामेटिकली पूरी तरह से करेक्ट करते हुए। अब यहां पे हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं आई गो सीधा सीधा, या फिर आई वेंट, या फिर आई गॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं गो आई। तो इन सब में सही कौन सा है और वो क्यों सही है, इसके लिए हमें क्या समझना चाहिए। तो हमारा ग्रामर आई वेंट, इससे साफ पता चल रहा है, हम ये समझ पा रहे हैं आई वेंट मतलब मैं गया, पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की। तो ये है ग्रामेटिकली पूरी तरह करेक्ट, और आप ये बात समझते हुए कन्वर्ट करेंगे इसे इंग्लिश में आई वेंट, ठीक है। तो अब यही कहानी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो भी कोड यहां लिखते हैं वो कोड कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है उसे मशीन कोड में, ठीक है। अब कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का कोई ना कोई ग्रामर होगा, तो उसी ग्रामर को हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में सिंटैक्स। तो हमें सिंटैक्स बताए जाते हैं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ये सिंटैक्स है, इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस को, इस तरह तरीके से आप कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो ये जो सिंटैक्स हमें सिखाए जाते हैं, इन सिंटैक्सेस को सही तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, वही है ये बीच का कन्वर्टर यानी कि कंपाइलर। तो कंपाइलर का क्या काम है, कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ इतना ही करता है कि हमारे लिखे हुए कोड को पकड़ता है और उस कोड के तरीके को चेक करता है, मतलब सारे के सारे सिंटेक्स को चेक करता है कि आपने सही तरीके से लिखा है या नहीं, कर्ली यहां स्टार्ट किया है तो कर्ली यहां क्लोज किया है कि नहीं, सेमी कॉलन दिया है या नहीं, सी आउट फंक्शन के साथ आपने ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है या नहीं, डबल क्वोट के अंदर स्ट्रिंग लिखा है कि नहीं, ये सारे सिंटेक्सेस हैं। मेन से पहले इंट लिखा है या नहीं, ये सारे के सारे सिंटेक्सेस हैं, इसी को चेक करने का काम करता है कंपाइलर। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे लैंग्वेज को सही तरीके से सामने वाला समझ जाए और उसकी भाषा में जो हम कन्वर्ट करते हैं तो वहां हमें ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हम जो कहना चाह रहे हैं वो सेम टू सेम उसी एक्सेंट के साथ उसी तरीके के साथ सामने वाला समझ पाए। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर सीधा साधा हर लैंग्वेज का, मैक्सिमम लैंग्वेज का एक टूल है जो यूज किया जाता है ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। ये काम तो कंपाइलर करता ही है,
पर चेंज करने से पहले वो आपके सिंटेक्सेस को चेक करता है कि आपने जो रूल्स हमारे लैंग्वेज के द्वारा दिए गए हैं उन रूल्स को फॉलो किया है या नहीं। सही तरीके से आपने हैश, सेमी कॉलन, ब्रैकेट, ये सारी चीज़ें, ये सारे सिंटेक्सेस सही तरीके से लिखे हैं कि नहीं, इन सबको वो चेक करेगा और उसके बाद आपके कोड को वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा ताकि बाकी आगे का काम आपका प्रोग्राम कर सके। ठीक इसी तरह हमारे पास एक और टूल आता है असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये काफ़ी पुराने समय में यूज़ की जाती थी। बहुत टफ होती है क्योंकि इसमें सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो नॉर्मली इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ मशीन कोड से थोड़ी सी आसान होती है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबलर। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए जाननी ज़रूरी हैं ताकि आप अगले वीडियो में ये समझ पाएं कि कैसे आपका लिखा हुआ कोड कन्वर्ट होता है दूसरे फाइल में, फिर कन्वर्ट होता है तीसरे फाइल में, इस तरह से वो टोटली कन्वर्ट होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ताकि आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को, तो आपके लिखे हुए कोड कंप्यूटर सिस्टम पढ़ के उसे रन कर पाते हैं। तो असेंबलर, कंपाइलर, फिर हेडर फाइल, प्री प्रोसेसर्स, लिंकर्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।